हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये मेरी जर्नी अकोटा से सुर सागर मंदिर तक की है। सुर सागर मंदिर, जिसे चांद तालाब भी कहते हैं। सीमान मंजिली नहीं, रास्ता भी खूबसूरत होना चाहिए। तो मैं आपको जिन रास्तों से होकर मैं सुर सागर तक पहुंचा, उस रास्ते से लेकर चलता हूँ और मंजिल भी दिखाता हूँ। तो मेरे साथ ये सफ़र तय करिए सीमान। Over to you. हेलो दोस्तों, नमस्कार। बड़ौदा के तालाब के बीच में बने शिव मंदिर का मैं आपको दर्शन करवाने ले चल रहा हूँ और रास्तों की भी शूटिंग करेंगे। चलिए चलते हैं। ये अकोटा ब्रिज का दृश्य है। सुबह का समय है, इसमें ज़्यादा भीड़ नहीं है और आपको जानकर शायद थोड़ा आश्चर्य हो। शाम को यहाँ पे एक पिकनिक स्पॉट, एक घूमने के स्थान, एक मनोरंजन के स्थान के तौर पर यहाँ पे लोगों का आना होता है। बड़ौदा की खासियत है ऐसे ही चौड़े चौड़े ब्रिज यहाँ पर खूब सारे बने हैं। ट्रैफिक जाम नाम की चीज़ नहीं है और इसमें मैं केवल प्रशासन का ही तारीफ नहीं करूँगा, यहाँ के लोग भी चीज़ों को सहेजना, उनको ढंग से रखा जाए, इस पर ध्यान देते हैं। ये मेरा नहीं है, अरे मैं क्यों इसको देखूँ, ये सोच इनकी नहीं है। यहाँ से आप देखिए पूरे शहर का दृश्य। सामने आपको छतरी सी दिख रही है, ये छतरी सोलर पैनल है। यहाँ पे इंडिविजुअल लोगों ने घरों में भी सोलर पैनल लगा रखे हैं, जिससे उनका अपना बिजली का खर्चा कम हो जाता है और उसके साथ ही अगर ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस हो जाती है तो वो आसपास के घरों को सेल करके भी कुछ कमा सकते हैं। ये सोलर पैनल है जिसके नीचे से हम लोग गुजरने जा रहे हैं। सुबह का समय है, हल्की हल्की ठंड भी है, लेकिन अभी ट्रैफिक पूरी रवानी पर नहीं आया है। जीवन देखिए तो जिंदगी में तख्ती करते हैं और अगर एक फिक्र से उसको धुएं में उड़ा दीजिए तो आराम ही आराम है। जिंदगी बदस्तूर चलती जाती है, सुख और देखिए जैसे छांव थी अब धूप आ गई, जो है उसका मजा लो श्रीमान। हमारा आपका कुछ नहीं है, जो कुछ भी है सब ईश्वर का है। जैसे वो हमको रखेगा वैसे ही हमको रखना पड़ेगा, हमें अच्छा लगे या बुरा लगे। जो मिल गया वो ईश्वर की नेमत है, आखिर गेम उसका है। जैसे बहुत पहले एक फिल्म आई थी आनंद, उस आनंद में एक डायलॉग था जानी वाकर के मुंह से बोला गया था, जिसमें उन्होंने कहा था, मतलब कोई एक्टिंग कर रहे थे जहां बना की, जहां बना जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है, वो जब चाहता है जिसकी डोरी खींच लेता है, जब चाहता है जब तक वो चाहता है तब तक ही इस जगत में इंसान अपने कैरेक्टर को निभा पाता है। ये दोनों तरफ देखिए, ये पौधे मेरे सामने, ये सब पौधे थे और मेरे देखते देखते 5-6 सालों के वक्त में बड़े बड़े पेड़ बन गए। हरिदिमा का आनंद लीजिए, फूलों का आनंद लीजिए, इसमें कोई भी पैसे नहीं लगते हैं। उम्मीद है ये दृश्य आपको अच्छे लग रहे होंगे। ये रियल टाइम शूट है और ये काफ़ी व्यस्त चल रहा है, जिस पर मैं इस समय रेड सिग्नल पर खड़ा हुआ हूँ।
ये 25 सेकंड दिखा रहा है, 25 सेकंड बाद आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। सभी लोग सिग्नल पर रुके हुए हैं। बिल्कुल व्यवस्थित ट्रैफिक है, इस शहर की खासियत मैंने आपको पहले भी बताई है, यहाँ कोई किसी के काम में दखल नहीं देता है। दखल आखिरी में तभी देगा जब डिस्टर्बेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, अदरवाइज वो आपके किसी मामले में बोलने वाला नहीं है। इन लोगों को मालूम है, यहाँ पे इस शहर के बासिंदों को मालूम है कि सबसे कीमती चीज़ होता है समय। समय को व्यर्थ गंवाना फिजूल है। संयोग से ग्रीन सिग्नल है तो मैं सीधे आगे निकल रहा हूँ। ये देखिए लेफ्ट में काफी समय से इस प्रतिमा का जीर्णोद्धार चल ही रहा है। जब कभी ये कलर्ड हो जाएगी तब बहुत ही बेहतरीन लगेगी, लेकिन अभी तो इसका शेप यही है। डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद सड़क पार करके पॉन्ड जो है उसके किनारे छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। मंदिर में जिसमें पुजारी जी बैठे हैं, पूजा अर्चना करते हैं। इनसे मैंने कुछ बातें भी की थी लेकिन वो इंसिडेंटली रिकॉर्ड नहीं हो पाई, लेकिन मैं आपको दृश्यों के माध्यम से दिखा रहा हूँ और जो मेरी उनसे बातचीत हुई जितनी मुझे याद रह पाई वो मैं बताने की कोशिश करूँगा। पंडित जी निराशा से भरे हुए थे। निराशा उनके मन में किस बात की थी, क्योंकि जो शिव जी की ऊँची प्रतिमा है वो कई साल से ऐसे ही जंजीरों में जकड़ी हुई है, उसमें कुछ सुधार नहीं हो रहा है, तो पंडित जी के मन में व्यग्रता थी। वो उन्होंने शब्दों में व्यक्त की, बाई चांस मैं वो आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। अब ये देखिए मैं मंदिर में जा रहा हूँ। इन्होंने वो ये देखिए सामने जो वो जो लोहे के जाल से फंसी हुई प्रतिमा थी, और ये दस श्रीमान स्थानीय प्रशासन ने ये जगह बनाई है, बड़ी खूबसूरत सी जगह बनाई है। आगे तक जाके लोग इसमें देख सकते हैं। शाम को लोग आते होंगे ज़्यादा, इस समय तो ज़्यादा भीड़ नहीं। अब ये कुछ उसमें गुजराती में लिखा था मेरे लिए, तो अकाल अक्षर भैंस बराबर है, ग्रीनरी वगैरह सब है। और ये रेलिंग से इन्होंने खूबसूरत सा बनाया हुआ है। कैमरा थोड़ा हिल रहा है,
लेकिन यह है कि दृश्य बहुत खूबसूरत है। अब चूंकि मैंने शूट किया है तो मैं आपको दिखाने का उपक्रम कर रहा हूँ, तो आप इसको देख लीजिए। ये तालाब में बहुत आगे तक उन्होंने एक स्टैंड सा बनाया हुआ है जिसमें बैठ के आपको चारों तरफ का नज़ारा मिल जाता है, और बाकी लाइटिंग वाइटिंग का काफ़ी अच्छा इंजाम है। दिन के टाइम तो लाइट का उतना महत्व नहीं रहता है, लेकिन शाम के टाइम लाइट का इसमें महत्व रहता है। अब ये कैमरे का वर्क उतना अच्छा नहीं हो पाया, लेकिन ग्रीनरी देख के आप इसका मतलब थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक्चुअल में कितना खूबसूरत होगा। अब बाकी आप गूगल सर्च में सुर सागर करके देखेंगे तो आपको दृश्य मिल जाएंगे। अब इस तरह के लाइव तो नहीं होंगे, लेकिन दृश्य तो अच्छे होंगे, आप देखिए उनको। तो ये चारों तरफ से मैंने इसको शूट किया है, लेकिन कैमरे के हिलने की वजह से उतना अच्छा नहीं हो पाया, तो भी आपको एक ग्लिम्स तो मिल ही जाएगा। तो ये ग्लिम्स लीजिए और मस्त बाहरों का आनंद लीजिए, और शिव की आराधना का भी लुत्फ उठाइए जिसके लिए मैंने इसको बनाया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपने वीडियो पूरा देखा इसके लिए मैं आपका थैंक यू करता हूँ। थैंक यू।